हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। हम लोग 11th की क्लास फिजिक्स की क्लास करेंगे आज। पिछले क्लास हल्का सा बेसिक हमने देखा था, हल्का सा बेसिक और देख करके चैप्टर पर डायरेक्ट आएंगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग को जान रहे हो कि टाइम थोड़ा सा कम बचा है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पर आएंगे उससे पहले कुछ देखते हैं। देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे आज, वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। चैप्टर होगा वेक्टर। इससे पहले का वीडियो और भी बहुत सारे हमारा अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो जिनको शुरू से देखना, शुरू से भी वीडियो अवेलेबल है। ये भी चैप्टर शुरू से, यहाँ से फिजिक्स की रियल शुरुआत होती है, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहीं से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, तो इसको हम लोग हिंदी में सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। ये चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है। तो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये क्लास चलते रहेगी ऑनलाइन। जिनको ऑफलाइन पढ़ना होगा तो उनकी क्लास 21 सितंबर के बाद ओपन हो सकती है। तो विशिष्ट जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9006059235। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और ऐसे हमारा एक नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं आप। वो हमारा नंबर है 799237814 3। ये वन है, तो ये हमारे पास नंबर है। इस नंबर पर आप विशेष रूप से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि 11th की पूरी क्लास होगी यहाँ पर। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, किस चैप्टर की? वेक्टर की। इसकी शुरुआत किसकी? वेक्टर की हम लोग करने जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए, अगर कोई पूछे कि वेक्टर पढ़ने से पहले क्या पढ़ोगे, तो इसकी थोड़ा सा भी ध्यान रखना है। देखिए, वेक्टर तो चैप्टर का नाम होगा, जिसको हिंदी में हम लोग सदिश बोलेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो अगर सबसे पहले अगर यहाँ से कोई पूछ दे आपको फिजिक्स किसे कहते हैं, तो ये तो सबको पता है, PHYSICS। अगर यहीं से कुछ पूछ दे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी, भौतिकी, तो भौतिकी किसे कहते हैं, सबसे पहला बात ये उठता है। तो भौतिकी किसे कहते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो देखो, अगर भौतिकी की कोई डिफिनीशन पूछे, तो देखो भौतिकी, या इसको हिंदी में हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। ये पिछले वीडियो में हम लोग हल्का सा चर्चा किए थे, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी, तो कह सकते हैं भौतिकी, क्या भौतिकी, थोड़ा सा देखो, चलिए हम थोड़ा सा क्लास को शुरुआत करते हैं। किसी को किस तरह की परेशानी? पूजा कुमारी गुड आफ्टरनून, रोहित सोनी गुड आफ्टरनून, रोहित सोनी। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट लेसन है एक तरह से समझे, फिजिक्स की रियली शुरुआत यहीं से होती है, तो इसीलिए फर्स्ट ही लेसन इसको समझेंगे आप लोग। चलिए देखिए, तो फिजिक्स भौतिकी, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको जो समझें। देखो फिजिक्स भौतिकी, तो कह सकते हैं भौतिकी
भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की ध्यान देना वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जितना भी तू प्रकृति में चीजें देख रहे हो, जो भी घटनाएं घट रही है, वे सारी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत या भौतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी या भौतिक विज्ञान, भौतिकी या भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हुआ हमारे पास भौतिकी या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे समस्या। अब देखिए, अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? इसके आगे ध्यान देना थोड़ा सा, देखिए, तो इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे भौतिक राशि की। किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक राशि की। भौतिक राशि की, ये भौतिक राशियां बोल सकते हो। तो ये भौतिक राशियां क्या है? तो भौतिक राशियां को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये ऐसा है कि देखो ध्यान देना, ये भौतिक राशि है, नामे है, तो कह सकते हैं वह राशि, वह राशि, वह राशि जो फिजिक्स के, कौजी के फिजिक्स, तो फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जो फिजिक्स के, फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान ध्यान दें, वह राशि जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के नियम तथा कानून को पालन करता है। ध्यान दें,
वह राशि जो फिजिक्स के नियम तथा कानून को पालन करता है उसे उसे भौतिक राशि उसे भौतिक राशि कहते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, वह राशि जो फिजिक्स के नियम तथा कानून को पालन करता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। कहोगे सर किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे? जैसे अब कोई मकान है बना हुआ, अब बोले मकान, तो मकान भौतिक राशि नहीं है। अगर कोई बोलता है आपसे मकान, क्या बोलता है ध्यान देना थोड़ा सा, मकान ध्यान दें, मकान, पेड़, इस तरह से कोई बोले तो ये मकान और पेड़ क्या है? तो मकान और पेड़ भौतिक राशि नहीं है। अब वो क्यों नहीं है सर? तो भौतिक राशि कौन होगा? ये आपके पास भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, मकान और पेड़ हमारे पास भौतिक राशि नहीं है, ये मकान और पेड़। तो कहो क्या है? तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ये भौतिक राशि नहीं है। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में कह दे मकान की लंबाई, मकान की ऊंचाई, मकान की चौड़ाई, मकान की आयतन, तो वह क्या होगा? भौतिक राशि होगा। यानी पेड़ की लंबाई क्या? लंबाई क्या? ऊंचाई, इस तरह से कभी कभी देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब जो देख रहे हो क्षेत्रफल आयतन तापमान माने जो भी इस तरह से आपको दिमाग में आए माने जिसको कुछ ना कुछ उसको फिजिक्स के नियम मैंने सिंपल में लिख दिया था वह राशि जो भौतिक विज्ञान के नियम तथा कानून को पालन करता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। बस टेंशन फ्री हो गए हम लोग। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बोलो, तेरी कमेंट को हम किसी को नहीं देख रहे थे, यहां तक पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखो आपको इस तरह से हम PDF बना के दिए हैं, तो आप मगध साइंस कोचिंग का ऐप लोड कर लेंगे जो अभी तक लोड नहीं किए हैं। क्या कर लेंगे? मगध साइंस कोचिंग, सबको पता ही होगा मगध साइंस कोचिंग, मगध साइंस मगध साइंस कोचिंग का ऐप लोड कर लेंगे, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल में ये PDF मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, क्लास के बाद मिलेगा। ठीक है, चलिए डीप में मिलेगा, परेशान नहीं होना है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा? देखिए अब भौतिक राशि को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि को दिशा के आधार पर दिशा के आधार पर
दो भागों में, दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब कौन सा दो भाग है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से नंबर वन जो है ये हमारे पास क्या है, अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ये अदिश राशि है। अब देखिए, ये अदिश राशि क्या है, किसी को दिक्कत? हाँ, अकाउंट बना लिया तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के बाद पढ़ सकते। देखो, भौतिक राशि को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक अदिश राशि है, एक हमारे पास सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है, ध्यान दें। तो अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है? तो देखो, अदिश में स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ई क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यही से दो भागों में विभक्त हुआ है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अब कोई पूछेगा अदिश राशि क्या है सर, तो उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं अदिश राशि। नंबर वन क्या है? अदिश। देखिए, ध्यान देना है। देखो, अदिश राशि, तो अदिश राशि कहते किसको हैं? तो देखो, अदिश राशि जो होता है, कह सकते हैं जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, लिख सकते हैं जिन भौतिक राशियों को, जिन भौतिक राशियों को, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, ध्यान देना, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, होती है, उसे उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे। क्या लिखा मैंने? जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, किसकी? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मैंने क्या लिखा है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखे हैं, जैसे
द्रव्यमान है ना, दूरी, समय, चाल, ठीक है, ध्यान देना, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करना, इसे हम करते अपनी जानते पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, घनत्व, ठीक है, आयतन, ठीक है, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, दाब, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, ये सारे आपका इस तरह, और भी है, ऐसी बात नहीं, इतना ही है, ये सारे आपका एग्जाम्पल हुआ किसकी, आपका अदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कंप्लीट आपको हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, देख लो एक नज़र, किसी को दिक्कत है यहाँ पर तो, चलिए नहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सदिश राशि की चर्चा, किसकी, सदिश राशि। देखो तो ये दूसरा नंबर जो होगा आपके पास सदिश राशि होगा, सदिश राशि। सदिश राशि क्या है, यही चैप्टर की शुरुआत होती है, वेक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। देखिए क्या, अगर यहां से कहा जाए कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, वह राशि वेक्टर कहलाती है, यानी सदिश राशि कहलाती है। लिख सकती हो क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए तो लिख सकते हम लोग, कोई दिक्कत किसी को हो तो कमेंट कर लेना इसे। चलिए देखो, जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ही हुआ, माने जो भी भौतिक राशि होगा अगर उसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे विस्थापन क्या होगा वेग क्या होगा त्वरण, ठीक है, बहुत सारे हैं, संवेग, बल, धारा घनत्व,
इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितनों लिखोगे तो कम जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है आपका सदिश राशि का है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया सदिश, अब इसको थोड़ा समझे कैसे है विस्थापन और वेग। तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा विस्थापन और वेग को हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। देखो अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि दूरी जो है, क्या दूरी आपके पास अदिश राशि है, मैंने बताया था, और यहां विस्थापन जो मैं बता रहा हूं, विस्थापन ये बता रहा हूं सदिश राशि है। ये कैसे, तो देखो मान लो कि ये आपके पास कोई स्थान है, अब कोई इस रास्ते से ऐसे ऐसे इस तरह से कहीं से यहां चला गया होगा, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि यहां से मान लो कि दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको थोड़ा दिख जाएगा, ये इस तरह से ऐसे आया और ऐसे चला गया, कोई इस पॉइंट पर ही जाना था, ठीक है। ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है। कोई इंसान जो है इस तरह से ना जा करके कोई इंसान इस तरह से आपके पास डायरेक्ट गया, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपके पास, देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये आपके पास, चलिए इसको हम लेके देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा रेड वाला, देखिए ये एक डायरेक्ट लाइन है, ये सारे जो लाइन है इस तरह से देख रहे हो, ये आपका इस तरह से घूम घूम हुआ है इस तरह से, देखो। तो अब यहां से देखो ये जो येलो वाला लाइन देख रहे हो ये आपका दूरी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा दूरी, ये भी आपका दूरी कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी दूरी कहला सकता है लेकिन वे न्यूनतम दूरी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये वाले पार्ट जो है न्यूनतम दूरी होगा, क्या होगा न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी होगा, तो ये न्यूनतम दूरी होगा, यही न्यूनतम दूरी आपका क्या कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। कोई पूछे विस्थापन किसे कहते हैं तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इधर से आया तो डायरेक्शन इधर था, इधर गया तो डायरेक्शन इधर था, डायरेक्शन चेंज हुआ ना। इसमें क्या है, अभी डायरेक्शन इधर है, अभी यहां पर देखोगे तो डायरेक्शन नीचे है, यहां पर इधर है, यहां पर ऊपर है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसमें, लेकिन इसमें क्या है डायरेक्शन सेम है, जो है सो ही है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक तरह से जिसकी दिशा निश्चित हो, शॉर्ट में हम लोग यहीं से समझें, क्या शॉर्ट में समझें, तो देखो शॉर्ट में ही रखना, अगर कोई सदिश का रियल में डिफिनेशन आपसे पूछ दे सदिश का, तो सच में यही होता है, ऐसे बहुत कुछ होता है, इसको त्रिभुज के नियम को पालन करता है, चतुर्भुज के नियम को पालन करता है। तो सदिश क्या है, सिंपल समझे तो सदिश का मतलब है जिसकी निश्चित दिशा हो, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा निश्चित हो, जिसकी दिशा निश्चित, जिसकी दिशा निश्चित हो, तथा जिसकी दिशा निश्चित हो, तथा त्रिभुज, त्रिभुज के नियम को पालन करता है, पालन करता है, ठीक है। यही दिमाग में रखना, त्रिभुज के नियम को पालन करता है। फिर से समझे थोड़ा देरी के लिए, ध्यान देना है।
देखिए, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बताइए आप ही लोग। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसको एक बार रिवाइज कर लूँ, क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग। देखिए, शुरू से यही था आपके पास, तो वेक्टर पढ़ लिए, भौतिक की किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, सदिश अदिश अदिश किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं, यही ना पढ़ते हैं अभी। ये सिंपल छोटी छोटी डिफिनेशनें हैं हम लोग को, जो कि क्लियर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, देखो सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए देखो आपको थोड़ा समय चर्चा कर दूं। जिसको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट, क्या पढ़ना है? ऑल सब्जेक्ट। तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ रहा है आपको। ऑल सब्जेक्ट का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है, एंड हिंदी, इन होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट की जब क्लास आपको करनी है तो इसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है। इसके लिए आपके पास अभी ऑनलाइन जो फी है 2500 रुपया है आपका। तो जब 2500 रुपया पेमेंट करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध हो जाएगी। यूट्यूब पर सारे सब्जेक्ट की क्लास नहीं चलती है, ऐप पर सारे क्लास चलती है और एप्लीकेशन पर सारे क्लास चलती है। तो मगध साइंस कोचिंग ऐप लोड कर लीजिएगा। अगर ऑल सब्जेक्ट की क्लास करना है आपको तो ऑनलाइन में क्या फ़ी है बताओ? ऑल सब्जेक्ट का फ़ी है आपके पास 500 रुपया, अति 2500 रुपया, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का फ़ी है, ठीक है, ये ऑल सब्जेक्ट की फ़ी है। तो जिनको इच्छा है कि मैं क्लास करूँगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, चलो सबको गुड आफ्टरनून हमारी तरफ से, और किसी को परेशानी तो कमेंट कर लेना। चलिए, ज़्यादा जिसको विस्तार से कम बेसी की बातें हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना, 799-2378143। अगर इस पर नंबर ना लगे तो फिर इस पर संपर्क कर लेना, 900-6059-235, इस पर संपर्क कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, इस पर संपर्क कर लेंगे जिसको अगर दिक्कत होगा। देखिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, तो ये हमारे पास हो गया, मैंने क्या बोला, जिसकी दिशा निश्चित हो तथा त्रिभुज के नियम को पालन करता है। किस चीज को? त्रिभुज के नियम को पालन करता है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इस तरह से आपको नोट्स मिल जाएगा क्लास के जस्ट बाद आपको, या क्लास के कुछ देर बाद, मैंने शाम तक तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से नोट्स लेने के लिए तुम मगध साइंस कोचिंग का ऐप जरूर लोड कर लेना है। मगध का ऐप लोड कर लो, अभी मगध साइंस कोचिंग प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से लोड कर लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या? चलिए देखो, सदिश राशि भी दो प्रकार की होती है। क्या? सदिश राशि भी दो प्रकार की होती है, ध्यान देना। सदिश राशि ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। अभी कहोगे कौन दो प्रकार की होती है सर, इसको बताइए थोड़ा। तो देखिए, सदिश राशि दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय, इसको क्या बोलेंगे, अक्षीय, एक को।
कह सकते हैं अच्छी है सदीश, ध्रुवीय सदीश। ये दो होते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। इंग्लिश में देखो ध्यान देना थोड़ा सा, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स। देखो ये क्या होता है, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझें। देखो आपको नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है आपको, टोटल मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूंगा आपको, परेशान नहीं होना है। अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं, देखो समझना। देखो वैसी राशि जिनकी दिशा सरल रेखा में हो, यहां से वैसी राशि जिनकी दिशा सरल रेखा में हो, सरल रेखा में हो, वैसी राशि जिनकी दिशा सरल रेखा में हो, सरल रेखा मतलब सीधा, वह ध्रुवीय सदिश, वह ध्रुवीय सदिश कहलाता है। ठीक है, अब कहोगे सर तो ई क्या कहलाता है इसको भी तो बता दीजिए। हाँ एग्जाम्पल भी दे दीजिए, दे देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं तो दोनों का एग्जाम्पल देंगे एक साथ। देखो वैसी राशि जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश, वैसी राशि जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष, वैसी राशि जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश, घूर्णन अक्ष के अनुदिश, घूर्णन अक्ष के अनुदिश, वैसी राशि जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश, माने घूर्णन अक्ष माने जहां घूमता उसके अनुदिश, घूर्णन अक्ष के अनुदिश रहे, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। समझ में आया, यही है इस तरह से आपको बस। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब दोनों को एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। देखिए अब दोनों के एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। देखो तो ध्रुवीय की जैसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ये आपके पास लाइन है तो ये एक ही रेखा में है ना, तो अगर यहाँ से कोई बोल दे रेखीय विस्थापन, तो ये रेखीय विस्थापन हुआ ना, एक रेखा में डायरेक्शन हुआ। अब रेखीय संवेग बोल दे, क्या बोल दे, रेखीय संवेग। ठीक है, और भी कुछ बोल दे, रेखीय बल बोल दे इसी को, क्या बोल दे, रेखीय बल। सब एक ही डायरेक्शन में होते, लेकिन अगर यहां से बोल दे कोणीय विस्थापन, क्या बोल दे, कोणीय विस्थापन। तो देखो इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो ई जो होता है थीटा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय विस्थापन, क्या बोलते हैं,
कि थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन। हो सकता है आपको ना दिख रहा होगा, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। तो जो कोणीय विस्थापन है ये क्या है, ध्यान दें, तो थीटा तो हमारे पास कोणीय विस्थापन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो इसकी जो डायरेक्शन होगा, ध्यान देना, मान लो थोड़ा समझना, थोड़ा सा एक मिनट ध्यान दो। दिख रहा है, देखो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। तो ये हमारे पास जो सर्कल है तो इस तरह से है, इसकी इस तरह से। तो अब इसको अगर हम ध्यान दें, अब इस तरह से हम इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी होगा इस तरह से, लेकिन ये रोटेट जो होगा तो ये कोई ना कोई अक्ष पर होगा, कोई ना कोई क्या होगा, अक्ष पर होगा, कोई ना कोई अक्ष पर होगा। तो इसकी अक्ष मान लो कोई होगा इस तरह से, है ना। तो इसकी अक्ष जो इस तरह से रोटेशन हो रहा है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है। तो देखो जैसे मान लो यही चीजें हैं, फिर से समझना थोड़ा सा। देखो अगर मान लो कि ये हमारे पास है, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो देख रहे हो सर्किल है। अब ये इस तरह से अगर रोटेट होता है, ध्यान देना, इस तरह से रोटेट होता है इस तरह से, तो इस तरह से जब रोटेट होगा, सोच लो, तो ये पेन मान लो मेरा रोटेट होगा, तो इस तरह से रोटेट होकर के क्या होगा, इस तरह से जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा ना। तो उसी प्रकार मान लो ये हमारे पास सीधा लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास सीधा लाइन है। अगर इसके चारों ओर इस तरह से कोई रोटेट होता है, इस तरह से इसके चारों ओर मान लो इस तरह से रोटेट होता है, इस तरह से ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो चारों ओर रोटेट होगा तो क्या होगा, तो ये रोटेट होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा इस तरह से, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये जो हुआ क्या हुआ, अक्ष में हुआ, ये एक्सियल हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या हुआ, ये अक्षीय हुआ, ये क्या हुआ, अक्षीय हुआ, समझ में आया। और ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे थे आपको बार बार, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। ये जो दिशा दिखा रहे हैं, ये जो आपको हम दिशा दिखा रहे हैं, ये आपका किसकी दिशा है, तो ये अक्षीय दिशा हुआ, इसको क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसकी बाहर की ओर होगी, तो इसके अक्षीय का होगा बाहर की ओर होगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है क्या, चलिए रेखीय वाला क्या है, रेखीय वाला तो मैंने बताया ना, फिर से बता देते हैं, देखो कोई दिक्कत हो गया, फिर से देख लो एक बार, देखो फिर से देख लो, किसी को परेशानी है तो देखो, समझना, मेन समझना है आपको, अगर समझ में आ गया तो सब कुछ ठीक है। फिर से देखो, अगर आपके पास ध्यान देना, अगर ये हमारे पास सर्किल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्किल है, इस तरह से ही यहाँ पर मैंने एक इलिप्स लेने का प्रयास किया इस तरह से, तो दोनों में ध्यान देना, थोड़ा सा बस ध्यान देना, ध्यान देने से आपको कुछ दिखेगा। मैंने इस तरह से इसमें एक लाइन लिया है, ठीक, हो सकता है आपको सीधा लाइन दिखना चाहिए, देखो तो इस तरह से जो मैंने लाइन लिया है, ध्यान देना, अब ये इसको यहाँ पर डॉट 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 थोड़ा सा मोटा है इसलिए ऐसा लग रहा है, ध्यान दे, देखो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस तरह से,
नहीं समझ में आया था, चलो काम कर लेते हैं, मोटे वाला सीधे लाइन से ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, देखो इस तरह से। अब ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो देखो एक ही बार में समझ में आएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको जानते हो? उसके लिए आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, छोटी बात, क्योंकि ये सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट में मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखो अब ये नीचे से लाइनिंग है, ये लाइनिंग कहाँ से है? नीचे से है, देखो इस तरह से आई नीचे। अच्छा